देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा श्री धाम बसा लीजिए, मेरी राधे श्री धाम बसा लीजिए। देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा चरणों से लगा लीजिए, श्री राधे चरणों से लगा लीजिए। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा, राधे राधे हरे कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय हो। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्त कभी दुखी नहीं होता, अगर वो दुखी होता है तो वो भक्त नहीं है। और अपनी मन की वासना पूर्ण करने के लिए अगर वो मनमानी करे तो वो भक्त नहीं है। फिर बोलते हैं प्रभु की इच्छा नहीं। आप हमारे मन में पहले से ही एहसास हो जाता है कि क्या गलत है और क्या सही, फिर भी हम अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारे गलत काम करते हैं। जो वास्तविक में जो भक्त होता है ना, उसको हर चीज़ का एहसास हो जाता है, हर चीज़ का एहसास हो जाता है, जो सच्चा भक्त है। और जो आडंबर करते हैं उनकी बात अलग है, वो तो भगवान के नाम पे अपने सारे खेल खेलेंगे और प्रभु का नाम देंगे। भक्त का स्वभाव बहुत अलग होता है। जैसे कि मीरा जी के पति एकांत में उनकी मीरा जी की पूजा किया करते थे, उनके पति देव, और बाहर में दिखाने के लिए सबको वो पत्नी रूप से दिखाते थे कि हाँ मैं इनका पति हूँ, लेकिन अंदर एकांत में वो गुरु के जैसे अपनी पत्नी को मानते थे। तो इसको कहा जाता है निष्ठा। आज की डेट में कहते हैं परिवार सब कुछ है, तो मीरा जी भी तो घराने से ही थी, राजघराने में उनकी शादी हुई थी, राजघराने की थी वो, उनको इतना कष्ट क्यों दिया गया? क्योंकि वो भक्त थी, इसीलिए उन्होंने सिर्फ़ अपने गिरधर को ही चाहा, किसी पुरुष को नहीं चाहा। और हम लोग अपनी इच्छाओं वासनाओं के पीछे खेल खेलते हैं और कहते हैं हम भक्त हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। भक्तों का चरित्र पढ़िए, सब कुछ पता चलता है, और भक्ति करने से सब कुछ एहसास होता है। राधे राधे हरे कृष्णा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। सभी पे हमारी किशोरी जी प्यारे जी खूब कृपा बरसाएं। आज इनको भोग लगा था मैक्रोनी बाल भोग में। राधे राधे हरे कृष्णा।